तो फर्स्ट डे में जब शेषर सर ने हमारी SRT करा रहे थे तो आई वॉज गिविंग अ वेरी गुड रेस्पॉन्सेज एंड फर्स्ट डे पे मेरा बेस्ट पार्ट ये रहा कि फर्स्ट डे पे शेषर सर ने मेरा रेस्पॉन्स देख के ये बता दिया कि आई विल गॉट रिकमेंडेड इन दिस अटेम्प्ट ओनली। जो भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी GTO सर हैं, साइको हैं, यहाँ पे इंटरव्यूइंग है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका, एक्सपर्ट है इस एरिया के, क्योंकि उनका जो फील्ड है उससे ज़्यादा सर से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो आप बेस्ट एकेडमी में हैं और होप जिसका नेक्स्ट 8-10 दिन में इंटरव्यू होने वाला होगा अगले वीक यहाँ पे आएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ठीक है, सिसिल सर को अपना 56 इंच का सीना दिखाने का यहाँ मौका मिलना जरूरी है। ठीक है, फ्रेंड्स, विशिंग यू आर वेरी हैप्पी इंडियन आर्मी डे। आई एम युवराज सिंह चौहान, अ रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ NDA 147 कोर्स एंड हैव सिक्योर्ड AIR 252। टुडे आई एम हेयर टू शेयर माई SSB एक्सपीरियंस एंड माई मेथड्स टू क्लियर NDA। सो बेसिकली माई फादर वॉज आर्मी पर्सनल एंड द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर वॉज इन माई माइंड। वेन आई स्टार्टेड माई क्लास 11th एजुकेशन, आई वॉज फर्स्ट ऑफ वेरी गुड इन मैथ्स and had a dream of clearing NDA that started from then only. First of all, मैंने NDA अपने पापा से पूछा। पूछने के बाद मुझे पता चला कि 12th appearing में NDA paper होता है, उसके लिए मैंने अपनी preparation start करी। I got to know that उसमें हमारा mathematics section बहुत strong होना चाहिए and especially the trigonometry calculus section। और बचपन से ही मेरा inclination स्पोर्ट्स एंड अकेडमिक्स दोनों में रहा था। मेरी जैसे कि मेरी हॉबी हॉर्स राइडिंग थी एंड मैं वेरियस अदर एक्टिविटी जैसे फुटबॉल, अपने स्कूल में फुटबॉल टीम में था। मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करी कोविड टाइम्स में भी एंड उसी के साथ साथ मैंने NDA की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करी। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NDA पेपर क्लियर करना एक स्ट्रेटजी है। उसमें स्ट्रेटजी ये है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए मैथमेटिक्स सेक्शन में और उसी के साथ साथ GAT में हमारी इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वेरियस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। जो एक साइंस स्टूडेंट को बेसिकली अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एक अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए। एंड कॉमर्स स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, तो ही कैन ऑल्सो क्लियर NDA इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। तो मैंने जैसे कि कोविड जब लॉकडाउन हो गया था तो मैंने अपना प्रिपरेशन फॉर NDA मैंने अपनी कंटिन्यू रखी और उसी की वजह से मैंने जो अपना NDA हमारा जो 6th of September हुआ था, जिसमें NDA 1 और NDA 2 कम्बाइंड था हमारा, वो मैंने NDA पेपर दिया, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। तो मेरी SSB डेट्स आ गई। तो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर SSB आई वाज कोविड पॉजिटिव, दैट टाइम ऑफ SSB ऑफ माय वाज मिस्ड, सो इसलिए मेरा वो फर्स्ट जो अटेम्प्ट वो छूट चुका था। तो हमारा जब NDA 18th हुआ, 18th of April में NDA 1 2021, मैंने उसके लिए अपना प्रिपरेशन चालू रखा। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा छूट गया था उसके लिए मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने अपने आप को मोटिवेट करा एंड आई वॉज वेरी काइंड ऑफ मोटिवेटेड एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो मैंने अपना होप नहीं लूज करा एंड आई गेव माई 100% इन NDA 1 2021 एंड आई क्लियर्ड इट। तो जब मेरा SSB का कॉल आया तो आई बी सर्चिंग चैनल्स इन यूट्यूब एंड बीन लिसनिंग टू वेरियस SSB यूट्यूब वीडियोज एंड आई केम टू नो अबाउट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ ओनली एंड आई हैव डिसाइडेड टू इनरोल इन इट। आई जस्ट इंक्वायर्ड अबाउट दी SSB प्रोसीजर्स ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी एंड मैं उसके बाद अपने फादर को लेके आया और मैंने एडमिशन करवा दिया। जैसे कि मेरे पे प्रिपरेशन थी, जो मैं फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास वॉज ऑफ शेषर सर, तो फर्स्ट डे में जब शेषर सर ने हमारी SRT करा रहे थे तो आई वॉज गिविंग अ वेरी गुड रेस्पॉन्सेज एंड फर्स्ट डे पे मेरा बेस्ट पार्ट ये रहा कि फर्स्ट डे पे शेषर सर ने मेरा रेस्पॉन्स देख के ये बता दिया कि आई विल गॉट रिकमेंडेड इन दिस अटैम्प्ट ओनली। तो डेट वॉज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी and it filled with me with extra energy and effort. And in subsequent days in Centurion Defense Academy, I've learned various things in like GTO task. We have gone out for GTO various times
और उसमें हमने बहुत सारे जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हमने बहुत करे, उसमें हमारी उसकी प्रैक्टिस हो गई। उसी के साथ साथ हमारा जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क हुआ, कमांड टास्क की भी प्रैक्टिस हमारी ग्राउंड में हुई सेंचुरी डिफेंस अकेडमी के। हमारा जो साइकोलॉजी सेक्शन था वो शिशिर सर ने हमारा करा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि शिशिर सर ने हमारा एम्पल ऑफ प्रैक्टिस करा दिया था उसमें। एंड हमारा एवरी वीक हमारा एक डोजियर होता था जो कि फुल साइकोलॉजी टेस्ट का एकदम लाइक कॉपी होता था, उसमें हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी उसमें हमारी। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा टी ए टी सेक्शन में शिशिर सर ने हमारा बहुत गाइडेंस करी, लाइक नेगेटिव पिक्चर्स जो होती थी उसको अच्छे से हैंडल करना। एंड ऑल्सो हमारा जो आजादा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एंड उसमें भी हमारा अच्छे से शिशिर सर ने हमको बताया, गाइडेंस दी। SRTs और SD हमारा अच्छे से हो गया साइकोलॉजी सेक्शन। एंड इन द GTO सेक्शन हमारे जो कलन प्रमोद सर थे एंड ऑल्सो मिस्टर जयेश सर थे, उन्होंने हमारा अच्छे से जैसे इंडोर जो GTO टास्क होते थे जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज, हमारा जो 3-4 ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हमारा प्रैक्टिस हो गई थी उसकी वजह से हमारा उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी। एज वेल एज जैसे हमारा एक ग्रुप होता है उसमें एक हमारी प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की, जैसे लेक्चरेट हो गया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ GDs इन्वॉल्विंग दी GDs ऑफ GPE एंड अदर GD, उसमें हमारी एम्पल ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी जिसकी वजह से SSB में मेरे को बहुत ईज हुआ उसकी वजह से। एंड इन दी SSB द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी वॉज डेट आई नेवर गॉट नर्वस इन दी पार्ट ऑफ SSB इन एनी ऑफ द टेस्ट। सो दिस प्रैक्टिस हेल्प मी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ SSB इंटरव्यूज ऑल्सो। जैसे इंटरव्यू में आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन, ऑलवेज बी इन अ अटैकिंग मोड, नॉट इन अ डिफेंसिव मोड, बिकॉज व्हेन यू विल बी इन अटैकिंग मोड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर चीयरफुल, मोर ऑप्टिमिस्टिक, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक पीक पे होगा। एंड ऑल्सो नेवर स्पीक लाई इन SSB इंटरव्यू, क्योंकि जितना हम झूठ बोलेंगे उतना इंटरव्यू ऑफिसर हमको पकड़ लेगा। तो जो भी हो ट्रूथफुल रहो SSB में हमारे, क्योंकि तीनों जो हमारे होते हैं मन वचन और कर्म, GTO साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू, तीनों चीज़ें हमारी एक ही पे इन्वॉल्व होती हैं जो है हमारी OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो उस पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए क्योंकि हमने एक में भी अगर हमने झूठ बोला तो वो तो हमारा साइकोलॉजी वाला पकड़ लेगा, वो इंटरव्यू वाला पकड़ लेगा। तो हमेशा हमको सच बोलना है उसमें, और अगर हमारी कोई कमी भी है तो हम उसको एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस करके रेक्टिफाई करो उसको। देर आर नो शॉर्टकट्स फॉर SSB एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू डेट देर इज़ नो गेम ऑफ लक इन SSB, देर इज ओनली अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, एंड एनी वन हु हैज़ अ ड्रीम टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर कैन अचीव इट थ्रू हार्ड वर्क, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। ऑल्सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरा कोविड के चक्कर में मिस हो गया उससे मैं कोई डिमोटिवेट कुछ नहीं हुआ, तो मैंने अपना जो फोकस था वो नेक्स्ट अपने NDA अटैम्प्ट पर डाला और उसको मैंने क्लियर करा। तो जितने भी जैसे मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका जैसे भी कोई इस बार का NDA नहीं निकला तो उनको कोई डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमारा जो नेक्स्ट ईयर में एक और NDA अटैम्प्ट आने वाला है तो उस पर अपना फोकस करो, उसमें अपनी तैयारी करो। मैथ्स जैसे मैथ्स NDA का एक इंटीग्रल पार्ट है, उस जैसे मैथ्स हमारा कट ऑफ नहीं निकलेगा तो हमारा GAT का जो सेक्शन वो चेक ही नहीं होगा। तो अपना जब मैथ पे एक अच्छी ग्रिप होल्ड करो और उसमें अपना सक्सीड करो। ऑल्सो इन SSB आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू डेट अपना कोचिंग में से पढ़ते हो उसको घर पे जाके रिवाइज करा करो बार बार, क्योंकि जो आपने जो पढ़ा है उसको जो बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे बार बार। और अपना जैसे लेक्चरेट की प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर करते रहो बार बार, और SSB जाने से पहले एक फिजिकल फिटनेस आप अपने मेंटेन करके रखो क्योंकि आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है NDA में जाके, और फिजिकल फिटनेस एक पार्ट है उसका अच्छा। तो अपना जो फिजिकल फिटनेस पे अपना अच्छे से वर्क करना है। ऑल्सो फ्रेंड्स मैं आपको एक अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने 1st of September को 2021 में सेंचुरी डिफेंस अकेडमी में इनरोल हुआ, तो फर्स्ट डे जैसे हमारी साइकोलॉजी की क्लास थी, शिशिर सर ले रहे थे हमारी साइकोलॉजी क्लास, तो फर्स्ट डे उन्होंने मेरे SRT रिस्पॉन्सेज देख देख के उन्होंने फर्स्ट डे ही मेरे को कह दिया कि दिस कैंडिडेट इज गोना रिकमेंडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया था एकदम पॉजिटिव, एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया था। पर उसके साथ साथ मेरे पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि मैं उस वर्ड्स को सही साबित करके दिखाऊं, एंड उसको साबित करने के लिए मैंने अपना हार्ड वर्क लगाया पूरा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर माई SSB एक्सपीरियंस दैट जब हम SSB गए, हमारी 69 की रिपोर्टिंग थी NDA SSB की 11th अलाहाबाद बोर्ड में, तो हम 69 में से हमारा 28 स्क्रीनिंग हो गए और उसमें से मैं फ्रेशर वाले ग्रुप में था, सेकेंड ग्रुप में, एंड हमारे ग्रुप में 5 रिपीटर्स और 5 फ्रेशर्स थे। तो जो SSB एक्सपीरियंस रहा वो मेरा बहुत ही अच्छा रहा, जैसे कि हमारे जो ग्रुप में कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी रही, हमारे ग्रुप की कोऑर्डिनेशन,
और उसमें जब हमारी बेस्ट पार्ट हमारे ग्रुप का क्या था कि हम अपने ग्रुप में जीडी में फिश मार्केट नहीं बनाते थे, तो जितना कम फिश मार्केट बनाने का ट्राई करेंगे उतना ही हमारा चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हमारे 10 बच्चों के ग्रुप में से हम 5 रिकमेंडेड हो गए एंड दैट वाज द हाईएस्ट रिकमेंडेड रेशियो इन एनी ग्रुप इन आवर बोर्ड। तो हमारा एक मैं कॉन्फ्रेंस का एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कॉन्फ्रेंस का डे था हमारा 5th ऑफ अक्टूबर में, तो सभी कैंडिडेट सब बैठे हुए थे एंड हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस में मेरे से एक जनरल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि हाउ वाज योर स्टे एट एसएसबी एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड इन एसएसबी एंड विच फ्रेंड विच कैंडिडेट यू थिंक दैट इज गोना रिकमेंडेड एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल। तो उस वो होने के बाद हमारा जब रिजल्ट आना था तो हम सबको ऑब्वियसली बहुत डर लग रहा था, हम एक दूसरे को विश कर रहे थे बेस्ट ऑफ लक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चेस्ट नंबर 9 बोला गया, जो कि हमारे ग्रुप में से था एंड उसके बाद चेस्ट नंबर 9 के बाद चेस्ट नंबर 13 एंड चेस्ट नंबर 14 जो कि मेरा था। मैं अपना नाम खड़ा हुआ एंड मैंने अपना चेस्ट नंबर 14 मैंने अपना नाम बोला एंड अपना रोल नंबर बोला और मैं खड़ा हो गया। तो ऐसे कैसे करते करते हमारे 9 रिकमेंडेशन हमारे बैच में से हुए 28 में से एंड हम सब लोग बहुत खुश थे। एंड उसके बाद मैंने अपने घर पर फ़ोन करा, शिशि सर को भी मैंने कॉल करा उसी के बाद एंड उनको ये खुशखबरी सुनाई एंड शिशि सर वॉज वेरी हैप्पी लिसनिंग टू इट। एंड मैं SSB को एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड मैं उसको भूल नहीं सकता वो एक्सपीरियंस अपने 5 डेज़ का। एंड उसके बाद जो हमारा मेडिकल जो चले वो अलग, पर जो फर्स्ट 5 डेज़ का हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो खुशी होती है, वो आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, भले ही आप उसमें रिकमेंडेड हो ना हो, पर जो एक्सपीरियंस जो आप 5 डेज़ में से सीखते हो वो कभी ज़िंदगी में नहीं कभी भूल पाते। और उसमें जैसे मेरे जो घर पे मेरे जो पेरेंट्स थे, हमेशा उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा। जैसे जब मैं कोविड आउट हो चुका था, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा एंड मेरे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया कभी। हमेशा मोटिवेट रखा कि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसको क्लियर करो और वो वाली SSB दो। तो मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, बल्कि मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गया अपने नेक्स्ट SSB के लिए एंड उसी की प्रिपरेशन में मैं लग गया। इन दी एंड फ्रेंड जो मैं अभी अकम्पलिशमेंट जो कर चुका है NDA क्लियर करके, उसमें मेरे से ज़्यादा मेरा रोल मेरे पेरेंट्स का रहा है। उन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रखा है एंड एज वेल एज सेंचुरी डिफेंस अकेडमी, जिन्होंने मेरे को अपनी गाइडेंस देते रहे और हमारा जो लेक्चरेट GD एंड उसमें जो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड इन दी एंड मैं आप सबको एक जैसे NDA क्लियर करने की टिप देना चाहता हूँ कि जैसे जो NDA होता है उसमें बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैथ में अपनी जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी रखें। उसमें जैसे कैलकुलस जो सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे मार्क्स होते हैं उस कैलकुलस सेक्शन के जो मैथ में, तो 11th से ही आप अपना उसमें ध्यान देना चालू कर दें एंड 12th होते होते तो आपका निकल जाएगा अगर आप अच्छे से मैथ में अपना अगर अच्छे आपकी ग्रिप होगी। और आपकी जो GAT सेक्शन में जो इंग्लिश होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी हाई लेवल नहीं आती है, मतलब आप अगर बेसिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी हुई है वही कर लोगे तो आपका NDA क्लियर हो जाएगा उसमें। एंड SSB के लिए जो आप अपना जो पर्सनैलिटी पे इम्प्रूव करें, आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस पे इम्प्रूव करें, आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूव करें और आप ज़रूर रिकमेंडेड हो जाओगे मेरी तरह। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक मेमोरेबल अपने इंस्टेंट शेयर करना चाहूँगा जो मेरा SSB के 5 डेज़ मेरा, जैसे हमारा जब साइकोलॉजी टेस्ट हमारा ओवर हो गया था तो हम लगभग बहुत देर तक हम अपना टेबल टेनिस खेलते रहे। हमारा जो वहाँ पे बास्केटबॉल था, हम अपने चेस नंबर हमने टीम बांट लेते थे और अपना जो बास्केटबॉल का जो मैच करते थे, हम दूसरे SSB बोर्ड के साथ अपने मैच लगाते थे और उसमें जो हमको जो मज़ा आता था वहाँ पे, तो हम उस टाइम हम सब भूल जाते थे कि हमारा SSB चल रहा है। हमको लगता था बस हम इवनिंग में अपना जो ग्राउंड में हम अपना बास्केटबॉल या वॉलीबॉल हम खेल रहे हैं और हम बहुत इंजॉय करते थे। और जो हमारे बोर्ड भी तो पीछे बस जस्ट एक कैफेटेरिया था, तो उसमें हम शाम को बस समोसे खाते थे रोज़ और उसके बाद टेबल टेनिस। सो फ्रेंड्स आई वुड बी जॉइनिंग NDA इन February 2022 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जैसे कि NDA जो हमें बहुत सारी स्पोर्ट फैसिलिटीज देती है, हमें जैसे एकेडमी के साथ साथ हमारे जो स्पोर्ट्स में जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, जो स्विमिंग होती है, फुटबॉल होता है, और इसी में मेरा हमेशा से पैशन रहा है, तो मैं वहाँ जाके अपना ये जो ड्रीम गोल है मैं वहाँ पे अचीव कर पाऊँगा। और उसी के साथ साथ जैसे हमें वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आर्मी के होते हैं वो पता चलेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो एक्साइटेड अबाउट दिस। अच्छा ये युवराज सिंह चौहान, ये मेरा छोटा बेटा है, ठीक है, ये आज से करीब 1 महीने पहले इस एकेडमी में आया था और ऑलमोस्ट करीब 25 डेज इसने यहाँ पे प्रिपरेशन किया था। एकदम बिल्कुल फ्रेश था, अभी जस्ट 12th क्लास इसने किया है
और यहाँ पे जो इसने कोचिंग जो लिया है वो भी इसका पहला ही यहीं पे था। इतना ज्यादा इसका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट 12th किया है। आप लोगों की तरह सभी 12th वाले ही होंगे मोस्टली, ठीक है, और अपने आप को बहुत इंप्रूव भी किया है, देखा है हमने बड़े नजदीक से इसको। तो यहाँ पे जब एक कोचिंग से जाता था, सुबह आता था, शाम को जाता था, रात को फिर इसके मैसेज आते थे, ये शेड्यूल है, आज इंटरव्यू है मेरा, आज साइको है, फिर उसका तैयारी भी करता था, अगेन आना, GTO में जाना। तो इस विद इन 25 डेज ही लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ इसने यहाँ पे सीखा। अपने आप से बहुत ट्रू है, जो भी बोलता है एकदम स्ट्रेट वे और बिल्कुल सही बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता। और आप लोगों के यहाँ जो फैकल्टीज है, इस लखनऊ की बेस्ट फैकल्टीज है, क्योंकि इसको भेजने से पहले मैंने भी काफ़ी जगह ट्राई किया था, काफ़ी लोगों से पूछा था, इवन मैं भी यहाँ पे एक दो बार विजिट करके गया, देख के गया, फिर हमने यही फाइनली डिसाइड किया कि इसको सेंचुरी में यहाँ पर एडमिशन दिला देते हैं। और जो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है 20-25 दिन का, मिनिमम शायद यहाँ पर 21 डेज का कोर्स है, उसमें इसको एडमिशन दिला दिया गया। और इसने 20 डेज रन में अपने आप को और उससे पहले सेंचुरी अकेडमी को प्रूव कर दिया कि दिस इज द बेस्ट प्लेस।